अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल इफ्तार रेसिपी, क्रिस्पी तंदूरी चिकन समोसा। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं ये समोसा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसे आप फुल वॉच कीजिएगा अगर स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम समोसे के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। तो उस पर 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया है, तो इस तरह मैंने इसे कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो 1.5 tablespoon के बराबर यहाँ पर दही डालेंगे, 1 teaspoon डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 tablespoon डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon डालेंगे धनिया पाउडर, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1/2 teaspoon ही डालेंगे हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, 1 tablespoon हॉट सॉस, 1 teaspoon डालेंगे नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon के बराबर तंदूरी मसाला और पिंच ऑफ रेड फूड कलर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है इसी तरह के कोई कलर डालना तो आप स्किप कर दें। तो अब हम इसके ऊपर देंगे तंदूरी फ्लेवर। तो सेंटर में रखेंगे फॉइल और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ चारकोल। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसका कैप लगा कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा देर के लिए रख सकते हो। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके ऊपर से निकाल लेंगे चारकोल क्योंकि इसमें तंदूरी फ्लेवर आ चुका है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम डालेंगे 2 tablespoon के बराबर ऑयल। तो ऑयल हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। चलिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो हमें कोई इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन ही अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी में ही हमें चिकन को गलाना है। चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं तो वो आराम से गल जाएंगे। तो फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम रखा है। तो चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 medium size की फाइनली चॉप अनियन और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon टोमेटो पेस्ट। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon के बराबर क्रीम। अगर आपको क्रीम डालना पसंद ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने से फिलिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो क्रीम डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि पूरी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है, रेडी हो चुकी है। तो इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर मैंने एक बोल में लिया है 1/2 cup के बराबर मैदा। तो हमें यहाँ पर इसका एक घोल बनाना है। पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स से समोसे जो है बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। तो अब मैं इसको क्रश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से क्रश हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये रेडी है। चलिए यहाँ पर मैंने ले ली है समोसा शीट। तो हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम समोसे को फोल्ड करेंगे इस तरह से। जिसको समोसा फोल्ड करना नहीं आता है वो भी अच्छी तरह से देख लें। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर फिलिंग करेंगे।
तो यहाँ पर हम फिलिंग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिलिंग डाल दी है, हमें ज़्यादा फिलिंग भी नहीं डालनी है। ज़्यादा फिलिंग डालेंगे तो फ्राई करने के टाइम ये जो है ये फटने लगेंगे। तो इस तरह हम दोबारा फोल्ड कर लेंगे इसे। मैंने यहाँ पर मैदे का एक पेस्ट बनाकर रेडी रखा था, तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे इस तरह से ताकि समोसा जो है वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो फर्स्ट समोसा हमारा बिल्कुल तैयार है, तो इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरा समोसा भी तैयार है, तो मैं इसी तरह सारे समोसे बनाकर रेडी कर लूँगी। तो अब हम क्या करना है, हमने जो मैदे का घोल बनाया था उसमें हम समोसे को डिप कर देना है अच्छी तरह से। ये देखिए दोनों साइड अच्छी तरह से डिप हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम रख देंगे कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर। ये देखिए अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए ब्रेड क्रम से अच्छी तरह से मैंने कोट कर दिया है, तो इसको रख देंगे हम एक प्लेट में। तो इसी तरह हमें करना है सारे समोसे। तो लीजिए हमारे सारे समोसे जो है मैंने रेडी कर लिए हैं फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ये लगभग गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डाल देंगे समोसे, तो फ्राई करने के लिए तैयार है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। तो दोनों साइड क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। तो दोनों साइड फ्लिप करते हुए हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे आराम से। तो लीजिए तैयार है हमारे क्रिस्पी तंदूरी चिकन समोसा, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो ये देखें अंदर का चिकन देखें आप, कितना अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आने वाले रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो हम रमज़ान में इफ्तार के टाइम स्नैक्स तो बनाते ही हैं, तो इसे भी ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करें और मुझे अपनी फ़ीडबैक दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।